हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही डिलीशियस और माउथ वाटरिंग स्टार्टर रेसिपी। तो अक्सर हम लोग घर में पनीर या फिर चिकन के स्टार्टर बनाते ही हैं, लेकिन मैं आज आपको एक वेजिटेरियन स्टार्टर सोया चिल्ली चंक्स या फिर इसे सोया मंचूरियन भी कह सकते हैं, और यकीन मानिए कि ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है और आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक वेज स्टार्टर खा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सोया चिल्ली चंक्स बनाने के लिए हमें यहाँ पर सोया या फिर न्यूट्रेला को उबाल लेना है। तो मैंने उबाल लेने के लिए यहाँ पर एक पैन में पानी को गर्म होने के लिए रख दी हूँ। अब हम उसमें डालेंगे 1 कप भरकर सोया चंक्स या फिर हम इसे न्यूट्रेला भी कहते हैं। हम इसे 4 से 5 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से उबाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब नमक, क्योंकि सोया का कोई अपना एक टेस्ट नहीं होता, इसलिए हम इसमें टेस्ट लाने के लिए 1/2 टीस्पून नमक डालकर हमें इसे ढककर ऐसे ही 4 से 5 मिनट तक के लिए बॉईल कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर झाग आ चुका है पानी का। अब हम लीड को हटाकर गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और फिर हम इसे गर्म पानी में इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं 2 से 4 मिनट तक के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे 2 से 4 मिनट तक के लिए छोड़ दिया था। अब हम गर्म पानी में से सोया चंक्स को निकाल लेंगे एक बोल में, और अब हमें इसे स्क्वीज़ कर लेना है, यानी कि हमें इसे अच्छे से निचोड़ लेना है। तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी, क्योंकि हमने इसको उबाल लिया है तो इसके अंदर गर्म पानी है। तो फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी, और ठंडा पानी डालकर हम सभी सोया चंक्स को अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे, यानी कि अच्छे से निचोड़ लेंगे। और फिर अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमें इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं रखना है, हमें इसे अच्छे से निचोड़ कर निकाल लेना है। अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा भी पानी रखते हैं तो फिर इसका मॉइस्चर जो है वो गीला ही रहता है और फिर ये अच्छे से मैरिनेट नहीं होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर ली हूँ, आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी नहीं है, अब हमें इसे मैरिनेट कर लेना है। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने इस बॉल में का पानी ड्रेन की हूँ। अब हम सेम बॉल में न्यूट्रेला यानी कि सोया चंक्स डाल देंगे। उसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, और फिर अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं इस टाइम पर। अब हमें यहाँ पर डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर मैदा, और फिर 1 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्न स्टार्च डाल देंगे। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो है अच्छी सी कोटिंग हो जाए और ये तेल अब्जॉर्ब नहीं करे। जब हम फ्राई करेंगे तब ये तेल अब्जॉर्ब नहीं करे, तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक अच्छी सी कोटिंग हो गई है। अब हम इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं 15 मिनट के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया था, और मैंने दूसरी साइड पर यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, और हमारा तेल जो है वो यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक कर सोया चंक्स डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पर हमें इसे फ्राई कर लेंगे। हमें इसे अच्छे से रेड कलर का होने तक के फ्राई कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सोया चंक्स की एक बैच डाल दी हूँ। हमें इसे 2 बैच में करके फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 बैच इस तरह से डाल दी हूँ, और ये अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, और फिर निकाल कर हम इसकी दूसरी बैच भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दूसरी बैच भी जो ऑलमोस्ट डन अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम सेम पैन में मैंने ऑयल को कम कर दी हूँ, और इसमें मैंने सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल रखी हूँ, और मैं उसमें डालूँगी थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप चाहो तो जिंजर और गार्लिक को ग्रेट कर भी डाल सकते हैं। अब हमें उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे तेल में, और जब जिंजर गार्लिक पेस्ट अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर अच्छे से भून जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली यानी कि हरी मिर्च के टुकड़े।
और उसे भी हम तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स ली हूँ जैसे कि प्याज, टमाटर और कैप्सिकम, और मैंने इन सभी चीज़ों को इस तरह से क्यूब्स में कट कर ली हूँ स्क्वायर शेप में, और उसमें डालकर हमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इस तरह से स्टर करते हुए हमें इसे फ्राई कर लेना है। हम सोया चंक्स को मैरिनेट करते टाइम नमक डाल दिया था और उसको बॉईल करते टाइम भी नमक डाल दिया था, लेकिन हम यहाँ पर इस वेजिटेबल्स को टेस्ट के लिए इसमें हम थोड़ा सा और नमक ऐड कर देते हैं ताकि इन वेजिटेबल्स में टेस्ट आ जाए। अब हम इसे ढक कर 2 मिनट के लिए लो लो फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि हमारे सभी वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई हो जाए और नर्म हो जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर 2 मिनट के लिए ढक कर इसे अच्छे से पका लिया है और हमारे वेजिटेबल्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिल्ली सॉस, और 1 टेबल स्पून या फिर 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें डालेंगे टोमेटो केचप, और उसी के साथ 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस, और सभी सॉस को हम वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर हमें गैस की फ्लेम को हाई फ्लेम पर नहीं रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे कुक कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर कॉर्न स्टार्च को जो है पानी में घोलकर रख दिया था, अब हम उसकी स्लरी को इसमें डाल देंगे और फिर उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारे फ्राई किए हुए सोया चंक्स न्यूट्रेला, और उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर अगर आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रखनी है या फिर आप इसे ऐसे ही रखना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी या फिर और थोड़ी कॉर्नस्टार्च की स्लरी कर डाल सकते हैं। और देखिए ये अब हम यहाँ पर 2 मिनट तक के लिए लो फ्लेम पर हम इसे कुक कर लेंगे ताकि सोया चंक्स के अंदर सभी सॉसेस का और फ्लेवर अच्छे से इन्हेंस हो जाए। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया कट कर कर डाल देंगे। अगर आपके पास यहाँ पर अनियन स्प्रिंग है तो आप उसे भी कट कर कर डाल सकते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पर सोया चिल्ली चंक्स या फिर सोया मंचूरियन बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए मैं आपको इसे सर्व कर कर बता देती हूँ। तो लीजिए तैयार है हमारा यहाँ पर बहुत ही टेस्टी और माउथ वाटरिंग स्टार्टर, और ये बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनकर तैयार हो गया था। अभी ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम इसे सोया से बनाया है। तो आप भी इस स्टार्टर को ज़रूर से ट्राई करें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।